हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट संडे मैं घर पर थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ऑफिस चले जाते हैं तो जल्दी जल्दी में इतना अच्छा कुछ बन ही नहीं पाता। नॉर्मल खाना ही हम लोग बना के खा के जाते हैं। सो संडे के दिन टाइम भी था, मौका मिला था, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में हमने डिसाइड किया कि हम लोग बनाएंगे चीला। और मैंने यहाँ पे आटा और सूजी दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है, उसके ऊपर मैंने दही डाला है। दही थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। वैसे अगर आप लोग चाहो तो सिर्फ सूजी या फिर आटे से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों मिक्स किया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों ही रहता है। और यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और ये वाला डिश जो है ना, ये एकदम परफेक्ट होता है टिफ़िन के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर ऑफिस को ही जाते हैं तो आप इसको लंच के लिए टिफ़िन बॉक्स में पैक करके दे सकते हो। सो चीला में मैंने थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स डाला था, वैसे ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स तो अवेलेबल था नहीं, जो भी था उसको डाला था, जैसे कि टमाटर हो गया, हरी मिर्च भी थोड़ा डाला हुआ था और करी पत्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशबू लाता है खाने में। देन हमारे पास था ये गाजर। सो सबसे पहले तो इसको अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद फिर हम लोग इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर एक के बाद एक मैं इसमें डालूंगी और आप सबको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गाइज, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा खाना हमने बनाया था और ये संडे स्पेशल कुकिंग है, तो आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना गाइज, बहुत सारा प्यार देना। वैसे जब हम लोग चीला बनाते हैं ना, वेजिटेबल्स को एकदम छोटे छोटे पीस में कट कर लेना, ताकि जब आप बनाओ तो अच्छे से घुल मिल जाए उसके साथ। जैसे कि आप सबने यहाँ पे देखा कि मैंने सारे वेजिटेबल्स को, गाजर, टमाटर और हरी मिर्च, ऑनियन, ये सबको बहुत छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। इन सब के अलावा अगर आपके पास बीन्स या फिर कैबेज, ये सब कुछ है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हो। सो सारे कटे हुए वेजिटेबल्स को अभी हम लोग एक एक करके डालेंगे, जो बैटर हमने बनाया था सूजी और आटे का। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑनियन, हरी मिर्च, टमाटर और गाजर। एकदम कलरफुल लग रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है ना। उसके ऊपर मैंने ये करी पत्ता भी डाल दिया। ये सब कुछ डालने के बाद हमें अभी बहुत अच्छे तरीके से इसको मिलाना है, मिक्स करना है, ताकि हम लोग अच्छे से चीला बना पाए। मिक्स करने के बाद मैंने बैटर को ऐसे थोड़ी देर के लिए, लाइक 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। देन यहाँ पे मैं तवा गरम कर रही हूँ, तेल वेल डाल के उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे चीला। तेल को अच्छी तरीके से तवे के ऊपर मैंने स्प्रेड कर लिया है और ये डाल दिया है मैंने बैटर। बस इसको ऐसे धीरे धीरे ही तवे के ऊपर स्प्रेड करना है, जैसे हम लोग नॉर्मली डोसा बनाते हैं, बस इसी तरीके से इसको बनाना है। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ज़्यादा पतला नहीं स्प्रेड करना है या फिर ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इसके चारों तरफ और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आपको ऐसे स्प्रिंकल करना है, ताकि अच्छे से पक जाए ये तवे के ऊपर। और दोनों तरफ को आपको ऐसे फ्लिप करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड से ठीक से पक जाए। कुछ इस तरह सा दिखेगा चीला बनने के बाद। और आप लोग इसको गर्मा गर्म खा सकते हो, ये पुदीने के चटनी के साथ, या तो फिर टमाटो सॉस और या फिर दही के साथ। वैसे ये पुदीना का चटनी जो है, ये रेडीमेड मिल जाता है मदर्स का। अगर आप लोग चाहते हो तो घर पे भी पुदीने की चटनी बना सकते हो। इसका प्लेटिंग अभी मैं कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा दिख रहा था, क्रिस्पी था, क्रंची था और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। आप लोग खुद ही देख लो। सो गाइस, कुछ इस तरह सा था संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग देखेंगे लंच में हमने क्या प्रिपेयर किया था। सो गाइस, जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि तड़का लग रहा है यहाँ पे, और तड़का लग रहा था दाल का। वैसे राइस एंड दाल ही नॉर्मल वाला हमने बनाया था, इसमें ज़्यादा कुछ छेड़खानी हमने नहीं किया था। राइस भी प्रिपेयर्ड हो गया है और ये था दाल। दाल को बस हमें चौका लगाना था और उसके बाद ये भी बन जाएगा, ऑलमोस्ट बन ही गया। सो
सो संडे स्पेशल लंच में हमने बनाया था चिली मशरूम। सबसे पहले तो हमने ये बटर मशरूम लिया था मार्केट से। इसको अच्छी तरीके से धोना पड़ता है गाइस, मशरूम वगैरह को अच्छे से धोना ही है। सो इसको अच्छे से धोने के बाद यहाँ पे बस बीच से ही मैं कट लगा रही हूँ, क्योंकि चिली मशरूम बनाना था तो थोड़ा बड़ा बड़ा पीस ही चाहिए। देन कट करने के बाद भी इसको दोबारा से मैंने यहाँ पे धोया और उसके ऊपर मैंने हल्दी छिड़क दिया, क्योंकि हल्दी के पानी में कुछ देर के लिए हम इसको डुबो के रखते हैं ताकि जो भी सारे जर्म्स वगैरह हो या फिर डस्ट हो ये सारे अच्छे से निकल जाए। सो गाइज मशरूम को अच्छे से धोने के बाद डायरेक्टली इसको कढ़ाई में ही डालना है। गरम कढ़ाई में डायरेक्टली आप लोग डाल सकते हो, कुछ भी तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशरूम से ना बहुत ही ज़्यादा पानी निकलता है। तो सबसे पहले सारा जो पानी है उसको निकलने के बाद ही आप मशरूम से कुछ बना सकते हो। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, तो इसीलिए इसको पकने देते हैं कुछ देर के लिए। और उसी टाइम को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे मैंने सारे वेजीज काटना स्टार्ट कर दिया है, जो भी हम लोग चिली मशरूम में डालेंगे, लाइक ऑनियन, कैप्सिकम, ये सब कुछ यहाँ पे कट करके मैंने रख लिया है। अभी हम लोग मशरूम को प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि आप सबको दिखाया मैंने कि पानी निकलने के बाद इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और उसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला, क्योंकि हमें चिली मशरूम बनाना है तो इसको सबसे पहले फ्राई करना पड़ेगा, तो इसको मैरिनेट करते हैं। कॉर्नफ्लोर के साथ साथ मैंने इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक भी डाला था। इसको अच्छे से अभी मिक्स करना है हमें। वैसे मिक्स करते करते मुझे लगा कि कॉर्नफ्लोर थोड़ा और डालना चाहिए, तो इसीलिए मैं दोबारा से डाल रही हूँ। आप भी अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही डाल सकते हो, मशरूम के हिसाब से आप डाल सकते हो। तो जो भी सारा मसाला वसाला डालना था मैरिनेट करने के लिए वो सब कुछ हो गया है। अभी हम लोग डायरेक्टली इसको फ्राई करते हैं तेल में। आपको ना मशरूम को थोड़ा सा कड़क फ्राई करना है, ताकि जब चिली मशरूम खाओ तो एकदम मुँह में लगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तभी। सो गाइज़ मशरूम हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी जो कटा हुआ कैप्सिकम और ऑनियन था इसको भी हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर के लिए ही इसको पकाना है, ताकि वो क्रंचीनेस इसका ना जाए। देन चिली मशरूम के लिए जो सॉस हमें प्रिपेयर करना था यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरा में चिली सॉस ले लिया, ग्रीन चिली सॉस। अगर आप रेड चिली सॉस यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिया टमाटो सॉस। ज़्यादा टमाटो सॉस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सॉस ऐड कर सकते हो। देन इसको थोड़ा सा थिक बनाने के लिए इस ग्रेवी को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। बस एक या फिर डेढ़ चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लो। वैसे आप लोग सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने यूज़ नहीं किया। देन यहाँ पे जो मशरूम हमने फ्राई करके रखा था इसको ऑनियन और कैप्सिकम के साथ अभी मिलाना है, एक साथ सबको डालना है। सो गाइज इसमें मैंने ना गार्लिक को एकदम छोटे छोटे पीस करके काट के भी डाला हुआ था, ताकि गार्लिक का स्मेल आए और थोड़ा चिली चिली फ्लेवर भी पता चले। देन इसमें मैंने वो सॉस जो हमने प्रिपेयर किया था उसको भी डाल दिया है। अभी अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते हैं। वैसे सॉस डालने के बाद आपको इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। देन मैंने लास्ट में इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला हुआ था, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। उस दिन चिल्ली मशरूम जैसे रेस्टोरेंट में आप लोग खाते हो बस उसी तरह से ही बना था, बहुत ही टेस्टी था। आप लोग भी घर पे इस तरह से चिल्ली मशरूम बना के खा सकते हो।
उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था पम्पकिन फ्लावर। और पम्पकिन फ्लावर अगर आप उड़ीसा से हो, आप सबको पता होगा कि बहुत टेस्टी है। इसको हम लोग जैसे बनाते हैं, आप सबको अभी दिखाऊंगी वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया, और बेसन में आपको बस थोड़ा सा नमक, मिर्ची के पाउडर, और अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा हल्दी डाल के भी इसको मिक्स करना है, बहुत ही कम पानी दे के। वैसे बेसन की जगह हम लोग राइस फ्लोर भी यूज़ करते हैं, लेकिन राइस फ्लोर तो अवेलेबल नहीं था, तो बेसन में ही किया था हम लोगों ने उस दिन। देन इसमें पम्पकिन फ्लावर को मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो पम्पकिन फ्लावर को एक एक करके भी बेसन में डुबो के उसको तवे पे फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया था इस तरह से। सो गाइज, इसमें मैंने कटा हुआ ऑनियन डाल दिया है, क्योंकि वो जो मेरा बेसन का बैटर था थोड़ा सा पतला हो गया था, तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने इसमें ऑनियन डाल दिया। देन यहाँ पे तवा एकदम गरम है, और तेल भी हमने स्प्रेड कर लिया है अच्छे से। देन अभी हम लोग इसके ऊपर हमारा जो बेसन का बैटर था और जिसमें हमने पम्पकिन फ्लावर और ऑनियन डाला हुआ था, इसको अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। सो इसके चारों तरफ और इसके ऊपर भी आपको ऑयल देना है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ऑयल इसमें लगता है, लेकिन भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइज़। आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप सिंगल सिंगल पम्पकिन फ्लावर लेके करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा। देन यहाँ पे मैंने इसको बीचों बीच में कट करके फ्लिप किया, ताकि अच्छे से दोनों तरफ से पक जाए। सो पम्पकिन फ्लावर बनने के बाद हमें अभी प्रिपेयर करना था सलाड, और सलाड के लिए मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पर हेल्प कर रहे थे। जो भी हमें सलाद में डालना था, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, ये खीरा ही कट करके डालना था, और उसमें हरी मिर्च भी हमने छोटे छोटे कट करके डाल दिया है, और बाकी दही, और इसमें बस थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर का पाउडर भी डाला हुआ था, और बहुत ही अच्छा प्रिपेयर्ड हो गया था हमारा सलाद। सो गाइज़, संडे स्पेशल लंच का प्लेटर इधर आपके सामने है। राइस था नॉर्मल वाला, दाल था, और उसके साथ साथ जो हमने बनाया था पम्पकिन फ्लावर वो भी था, चिली मशरूम और सलाद, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था गाइज़। देन अभी हम लोग देखेंगे कि हमने संडे स्पेशल डिनर में क्या बनाया था। वैसे टमाटर और प्याज तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें बनाना था दम आलू और उसके साथ पूरियाँ, और थोड़ा सा अदरक भी मैं यहाँ पे छील लेती हूँ, क्योंकि अदरक को कद्दूकस करके डालने में ना बहुत ही अच्छा खुशबू आता है सब्जियों से। और यहाँ पे प्याज और टमाटर को सबसे पहले हम लोग फ्राई करते हैं, देन एक के बाद एक इसमें डाले जाएंगे हम लोग मसाले। तो थोड़ा सा पकने के बाद इसमें मैंने वो अदरक भी डाल दिया था। अदरक डालने के बाद ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। देन ये जो उबला हुआ आलू हमने कट करके रखा था दम आलू के लिए, उसको भी मैंने इसमें मिला लिया है। अभी तक मैंने कुछ मसाला नहीं डाला है इसमें, वही बस नमक ही डालना है, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर डालना है, और अगर आपके पास कुछ सब्जी का मसाला है वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैंने ऐड किया था वो था मैगी मसाला गाइज। जब मैं वेज का कुछ सब्जी वाला बनाती हूँ ना करी, तो उसमें मैं मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उसमें जो टेस्ट आता है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो। बस इसमें मैंने थोड़ा सा ही पानी दिया है, कुछ देर इसको ऐसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरह का दम आलू अगर आप बनाते हो घर पे, ये ओनली 10 मिनट ही लगेगा बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन जाता है और तुरंत भी बन जाता है, तो आप लोग फटाफट इसको बना सकते हो। तो ये अच्छी तरीके से पक जाए, बस इसी का ही ध्यान देना है। देन इसके ऊपर मैंने गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क दिया था। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है हरा धनिया। हरा धनिया तो लाजवाब कर देता है टेस्ट को, तो आप लोग इसमें हरा धनिया ज़रूर ऐड करना। तो ये हमारा प्रिपेयर्ड था दम आलू, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। लेकिन जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि दम आलू के साथ साथ हम लोगों को बनाना था पूरी, तो पूरी के लिए ऑलरेडी हमने आटा गूंद के यहाँ पे रख लिया था। सो पूरी के हिसाब से हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाना है, देन हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे पूरी। तो यहाँ पे मैंने पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं व्हीट फ्लोर ही यूज़ कर रही हूँ, लाइक आटा ही यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लोग ऑयल के साथ भी पूरी ऐसे बेल सकते हो।
सो गाइज़ अभी तेल गरम करके हम लोग पूरी को तलेंगे, तो पूरी तलने के बाद एकदम रेडी हो जाएगा हमारा पूरी और आलू दम। सो कुछ इस तरह सा था हमारा संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आप सबके घर में संडे के स्पेशल खाना किस तरह से बनता है, क्या क्या बनता है वो भी ज़रूर बताना। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो ज़रूर शेयर करना और ढेर सारा प्यार देना गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय।